हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के बारे में। तो पहला है हमारा हॉट वर्किंग। हॉट वर्किंग इज कैरिड आउट अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, हेंस डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल एंड रिकवरी टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। हियर आप डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस हॉट वर्किंग, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉट रोलिंग प्रोसेस। हेयर यू कैन सी द मटेरियल इज हीटेड अबव इट्स रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर एंड देन द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अप्लाइड, ड्यू टू विच द माइक्रो स्ट्रक्चर एट दिस लोकेशन चेंजेस। नाउ अनदर इज कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। इन कोल्ड वर्किंग is carried out below the recrystallization temperature and such there is not the appreciable recovery of metal। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोल्ड वर्किंग इज बिलो द recrystallization टेम्परेचर। इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है, बिलो, और हॉट वर्किंग को अबव recrystallization टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ड्यूरिंग द प्रोसेस रेसिडुअल स्ट्रेस आर डेवलप इन मेटल। ओके, तो हियर यू कैन सी इन डायग्राम, ओके, दिस इज बेंडिंग ऑपरेशन। हियर टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ आर टेक प्लेस इन फर्स्ट डायग्राम, ओके, एट द बोथ पोर्शन। सो इन कोल्ड वर्किंग प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस रेसिडुअल स्ट्रेसेस आर डेवलप इन द मेटल। इन द सेकेंड डायग्राम यू कैन सी दैट रेसिडुअल स्ट्रेसेस आर डेवलप, ओके, after removal of the load। other point, because of higher deformation the temperature used the stress required for deformation is less। in the diagram you can see that that during the hot rolling process, okay, when we are heating the material at above recrystallization temperature then the plastic deformation is applied। So here in this point there the step required for deformation is less, okay। Cold working process, because of higher deformation the temperature used the stress required for deformation is high। Other point is during hot working process, okay, refines metal grains revolting properties। ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस लेड टू डिस्टॉर्शन ऑफ ग्रेन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले क्या था, जब हम लोग इनिशियली क्या था, हमारा जो ग्रेन्स था वो प्रॉपर था, और ठीक है, आफ्टर जब हम लोग उसको हमने उस पर वर्किंग किया, प्रोसेस किया, तो डिफॉर्मेशन क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया। अदर पॉइंट, इफ नो हार्डनिंग ऑफ मेटल टेक प्लेस कोल्ड वर्किंग मेटल गैस वर्क हार्डेंड। हार्डनिंग क्या होता है, हार्डनिंग इज अ मेटलर्जिकल मेटल वर्किंग प्रोसेस यूज टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ अ मेटल। अदर पॉइंट इज ड्यूरिंग हॉट वर्किंग प्रोसेस, ओके, इफ प्रॉपरली परफॉर्म्ड इट डज नॉट अफेक्ट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हार्डनेस करोजन एंड फटीग रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल। इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व डायग्राम। हेयर इज अ यंग मॉडल ऑफ स्लोप एरिया अपॉन, ठीक है, ड्राइंग पल्स यील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपका स्ट्रेन हार्डनिंग आ रहा है ऊपर। ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस इट इम्प्रूव अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यील्ड एंड फटीग स्ट्रेंथ बट रिड्यूसेज द करोजन रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो इम्प्रूव सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज मटेरियल कैन विथ स्टैंड वेन द सेट लोड इज सडनली अप्लाइड टू इट। ओके फ्रेंड्स, इन कोल्ड वर्किंग प्रोसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन आर रिड्यूस्ड। आप फिर देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, सेकेंड वाले में क्या हुआ है, लोड चार पी टेस्ट कॉन्फिग्रेशन आइजोड टेस्ट कॉन्फिग्रेशन। अदर पॉइंट इज
due to oxidation and scaling, poor surface finish is obtained in hot working process, and cold worked part carry better surface finish. हॉट वर्किंग में क्या होता है, सरफेस फिनिश इज पुअर, एंड कोल्ड वर्किंग में क्या होता है, सरफेस फिनिश इज बेटर एज कम्पेयर टू हॉट वर्किंग. नेक्स्ट पॉइंट है, हॉट वर्किंग इज मोस्ट प्रीफर्ड वेयर हैवी डिफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. ओके, इन कोल्ड वर्किंग इज प्रीफर्ड वेयर हार्ड वर्किंग इज रिक्वायर्ड, वेयर वर्क हार्डनिंग इज रिक्वायर्ड. ओके, आप डायग्राम में देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा ओरिजिनल कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर था जहाँ पे रेड कलर का है, उसके बाद हमने जब यहाँ पे प्रोसेस किया, ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किया, तो क्या हुआ, इलोंगेशन ग्रेन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिक्रिस्टलाइजेशन एक्वायर्ड ग्रेन्स, ग्रोथ ऑफ न्यू फाइन ग्रेन्स यहाँ पे डेवलप हुआ पर्पल कलर का. लेकिन यहाँ पे कोल्ड वर्किंग में क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है. ठीक है, ये प्रीफर्ड होता है वेयर वर्क हार्डनिंग इज रिक्वायर्ड. तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें.